बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। पिछले वीडियोस में हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये हमारा थर्ड मेथड है। लेट्स सपोज हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने कोई भी क्वेश्चन लिया, इसको सबसे पहले हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड फेल हो जाता है, तब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो थर्ड टर्म हमारे पास होती है इसको हमने इज इक्वल के दूसरे साइड पर लेके जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। ये माइनस थ्री था, उस साइड पे जाके क्या हो गया, प्लस थ्री। सेकेंड हमारे पास क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास रकम होती है वो हमारे पास वन होनी चाहिए। इस सवाल में हमारे पास वन है, इसलिए हम इसको मज़ीद नहीं छेड़ेंगे। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, अब इस साइड पे हमने एक रकम लिखनी है इज इक्वल टू थ्री। इस साइड पे हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इस साइड पे हमारे पास क्या आएगा। वो देखने के लिए हमारे पास ये है एट, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, टू पे डिवाइड करेंगे, वन ओवर टू, ठीक है। टू पे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आएगा, फोर। जो हमारे पास आंसर आएगा उसका स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आएगा फोर स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर स्क्वायर। जो भी बीच में रकम होगी इसको हमने टू से डिवाइड करना है, उसके बाद उसको कट करके जो हमारे पास आंसर आया फोर, ठीक है, उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर। वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिखना है और हमने राइट हैंड साइड पे भी लिखना है। ये अब हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का। इसको हम क्लोज कर देंगे, ये ए माइनस फोर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर में फार्मूला क्लोज हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। थ्री फोर का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, सिक्सटीन। सिक्सटीन में हमने थ्री प्लस किया, हमारे पास क्या आ गया, नाइनटीन। एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट लिया, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है। एक्स माइनस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू नाइनटीन का स्क्वायर। ये हमारे पास कैंसिल हो गया, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट नाइनटीन। अब हमने नाइनटीन हमारे पास प्लस माइनस दोनों में है, हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। फोर उस साइड पर जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फोर प्लस माइनस नाइनटीन। एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस स्क्वायर रूट नाइनटीन एंड एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस स्क्वायर रूट नाइनटीन। ये हमारे दोनों आंसर आ गए, ठीक है। इसके अलावा एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई, ठीक है। एग्जांपल हम लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, ये जो थर्ड रकम होती है इसको हम इज इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स इज इक्वल टू फोर। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ हमें कोई रकम नहीं चाहिए होती, थ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब है थ्री को हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय थ्री। थ्री इससे डिवाइड होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। एटीन से डिवाइड होगा, हमारे पास आ जाएगा सिक्स एक्स। और फोर से डिवाइड होकर हमारे पास आ जाएगा फोर ओवर थ्री, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है मिड टर्म, हमने लेनी है सिक्स। सिक्स को हमने टू पे डिवाइड करना है, हमारे पास आ जाएगा थ्री। इसका मतलब है थ्री का स्क्वायर हमने बोथ साइड्स पे ऐड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स तो आई गई, ये जो थ्री का स्क्वायर है ये हमने बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया। ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ओवर थ्री। थ्री का स्क्वायर लिया, हमारे पास आ गया नाइन।
अब हमारे पास आ गया x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 3, 4, ये हमारे पास आ जाएगा 27। 27 में 4 प्लस किया हमारे पास 31/3, और ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, बहुत साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 31/3 प्लस माइनस, ये आ गया x माइनस थ्री, स्केयर इसे कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 31/3। ठीक है, अब हम करेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 31/3, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एग्जांपल देखी है 4x² प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप 12 को उस साइड पे लेके जाना है, हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 12। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये 4 खाली करना है, हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय 4, हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3/4 x इज इक्वल टू माइनस 12 को 4 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 3। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो 3/4 है इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 3, 4 2 ज़र 8, ये हमारा आंसर आया है। इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर हमने लेना है बोथ साइड्स पे, x² प्लस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ये दोनों हमने ऐड किए, ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हमने ऐसे लिख दिया x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, इसका हम एलसीएम लेंगे 64 का, 64 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 6 3 18, 9 9, हमारे पास आ गया 192 प्लस 9/64, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 192 में से 9 निकाले, हमारे पास आ गया 183 और साइन आ गया माइनस का 64। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे हम, बोथ साइड्स पे हम जब स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 183/64, ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x प्लस 3/8 इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 183/64 प्लस माइनस 3/8 उस साइड पे चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस 3/8 प्लस माइनस 183/64, ये हमारा आंसर आ गया। आपको कंप्लीटिंग स्केल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।